डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2018। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इन दिनों हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है और ये जो फेस्टिव ऑफर है ऑन डिमांड, इसकी तारीख बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई है। इस फेस्टिव ऑफर में हम अपने सभी पिनाकल प्रोडक्ट्स पर और फ्रंटियर आईएस के प्रोडक्ट्स पर 50% की छूट दे रहे हैं। ठीक है, इस समय आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट ज्वाइन करते हैं फ्रंटियर आईएस का या फिर पिनाकल की ओर से, तो आपको 50% की छूट मिलेगी। चलते हैं आगे कल की क्विज के आंसर्स। आपसे पूछा गया है कि किस तारीख को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। फिर पूछा था मैंने कि भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं, तो 17 जोन हैं और आप में से अधिकतर लोगों ने दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कौन सी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने शुरुआत की है खाद्य साथी की। आंसर हमारा सी है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी। अभी हाल ही में जैसा कि हमने बताया कि वर्ल्ड फूड डे था। वर्ल्ड फूड डे कब था, 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को ही ममता बनर्जी ने ये स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है खाद्य साथी। और इसमें क्या होगा कि इसमें बंगाल के जो 8.5 करोड़ गरीब लोग हैं उनको फूड अवेलेबल कराया जाएगा, खाना अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें स्पेशल फोकस किया जाएगा उन लोगों के लिए के ऊपर जो जंगल महल और हिल एरियाज में रहते हैं, साथ ही जो टी गार्डन्स वगैरह जो चाय के बगान होते हैं उनमें काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हमारा क्या है, आंसर सी है। आपको एक तस्वीर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये तस्वीर है खाद्य साथी। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चलो मेरे साथ रिकैप कर लीजिए। यहाँ पर कोलकाता वो राजधानी है। ओके, मैंने आपको हमेशा बताया कि 1911 तक ये राजधानी रहा। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि कब से कब 1756 में बन गया था। 1756 में बन गया था, ब्रिटिशर्स ने इसको कैपिटल बनाया था और 1911 तक ये राजधानी रहा था। काफी सारे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी जिसमें आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की छाप मिलेगी, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, भूटान के साथ भी अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है। ये भारत का फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है अगर जनसंख्या की बात की जाए तो। फोर्थ नंबर वन कौन सा है, नंबर वन है यूपी और ये चौथे नंबर पर आता है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी महिलाएं जो है उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पाई, सबसे पहले वो ग्रेजुएट बनी, वहां पर सती प्रथा सबसे पहले समाप्त की गई। जो प्रथा विवाह हुआ करते थे, बहुत सारी शादियां करने की प्रथा हुआ करती थी वो भी सबसे पहले बंगाल में ही खत्म की गई। बाल विवाह जो है वो भी सबसे पहले बंगाल में ही खत्म किया गया। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, केशरीनाथ त्रिपाठी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। यहाँ पर जो असेंबली है उसमें 295 सीट्स हैं। हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। राज्यसभा में 16 सीटें हैं बंगाल की और लोकसभा में है 42। तो ये थी सारी जानकारी वेस्ट बंगाल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भरोसा जो हिंसा पीड़ित महिला केंद्र है इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में ये उद्घाटन हुआ है और हैदराबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं वीसी सजनर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो महिलाएं मुसीबत में फंसी हुई हैं उनको स्पीडी जस्टिस, ओके, फटाफट न्याय दिलाने के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है। ये था हमारा प्रश्न 2। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि किसके जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे पहले आपको आंसर बता देती हूं और इस क्वेश्चन में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं और तारीख क्या है, तारीख है 15 अक्टूबर, ठीक है, 15th of October। तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है उसने घोषणा की कि 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो बर्थडे है उसको हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाएंगे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्यों, क्योंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक टीचर भी थे और उनका ये कहना था कि मैं सबसे पहले एक टीचर हूँ, बाद में एक साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट इत्यादि, ओके। तो
ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनको पद्म भूषण मिला, इनको पद्म विभूषण मिला भारत सरकार की ओर से, और साथ में मिला भारत रत्न भी। भारत रत्न तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन इंडिया। कौन से साल में मिला ये इनको मिला था 1997 में, याद रखना ठीक है। इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन क्यों? क्योंकि इन्होंने बॉलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट में जबरदस्त योगदान दिया। भारत ने जो पोखरण 2 के न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, उसमें भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये भारत के 11th प्रेसिडेंट रहे। टाइम पीरियड क्या था इनका? टाइम पीरियड था 2002 से लेकर 2007 तक। ओके, बहुत ही साधारण जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। जनता से, बच्चों से बड़े प्यार से मिलते थे, इसलिए इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। और ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला। इनकी पुस्तकें भी आपने जरूर पढ़ी होगी। एक पुस्तक तो इनकी विंग्स ऑफ फायर जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने किस देश को दुनिया का सबसे तनावग्रस्त देश घोषित किया है? दुर्भाग्यवश इसका उत्तर है भारत। भारत को घोषित किया गया है WHO के द्वारा कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे तनावग्रस्त देश है। 2015-16 में भी एक सर्वे हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत में जो हर छठा व्यक्ति है वो किसी ना किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पर यह भी याद आता है कि हमने हाल ही में 10 अक्टूबर जो था उसको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया था, और हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से करीबन 6.5% लोग ऐसे हैं, 6.5% जिन्हें गंभीर प्रकार का कोई मेंटल डिसऑर्डर है। पर हमारी इतनी सारी चुनौतियां इसके अलावा कि अभी तक हम मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। यहां पर भारत की बात आई, मैं आपको नक्शे में तो नहीं दिखाऊंगी लेकिन मैं भारत के बारे में आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें बता देती हूं, ठीक है। डिप्रेशन में हम सबसे ऊपर आ गए हैं, लेकिन भारत जो है अगर एरिया की बात की जाए तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैं। अगर एरिया की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए तो हम 2nd पोजीशन पर आते हैं। अगर बात की जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है तो वो भारत है। अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल सिस्टम किसका है, वो भारत का है। हमने दुनिया को 0 दिया, 0 किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। चेस की शुरुआत भारत से हुई, योग की शुरुआत भारत से हुई। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी कि जहां पर विद्यार्थी जो है वो जाकर रह भी सकता है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ओके, बनारस जिसको कि हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जिसमें लगातार लोग रहे हैं। जैनिज्म की शुरुआत, बौद्ध धर्म की शुरुआत, सिख धर्म की शुरुआत, हिंदू धर्म की शुरुआत, इन सब की शुरुआत जो है वो भारत से ही हुई है। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो भारत में ही है, और दोनों जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं। हमारे जब चुनाव होते हैं, ठीक है, हमारे जब चुनाव होते हैं वो वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला, जिन चीज़ों को आयोजित किया जाता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2014 के चुनाव में 54 करोड़ लोगों ने वोट्स डाले थे। हमारी जो कंट्री है यहाँ पर बिगेस्ट पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी इंडिया के बारे में। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए ICFRE ने नवोदय विद्यालय समिति और केंद्र विद्यालय संगठन, आपने जरूर नवोदय विद्यालय के बारे में और केंद्र विद्यालयों के बारे में सुना होगा, इन लोगों ने 2 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्यों किए गए हैं, ये इसका आंसर पहले आपको बताती हूँ। आंसर है इसका प्रकृति। ओके, ये 2 MOU साइन किए गए हैं बिटवीन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये है आपका इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन, उन्होंने नवोदय विद्यालय के साथ और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ ये MOU साइन किए हैं। 10 वर्षों के लिए ये MOU साइन किए गए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के बीच में हम जागरूकता पैदा कर सकें फॉरेस्ट के बारे में और एनवायरमेंट के बारे में। तो आंसर क्या है इसका? आंसर जो है वो बी है। अगला प्रश्न, आपको बताना है येसकॉम ग्लोबल कार्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी में रेल
रेल रेस्टोरेंट द्वारा शुरू किए गए खाद्य वितरण बेड़े का नाम क्या है? उसका नाम है रेलिवरी। आंसर क्या है इसका? आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा रेलिवरी है। जो रेल रेस्टोरेंट है उसने पार्टनरशिप की है यसकॉम ग्लोबल कार्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और उसके बाद ये लोग जो है, ये रेलिवरी जो है ये ब्रांड है पटना बेस्ड पेरेंट फर्म ओके उसका, और ये लोग ट्रेन्स में केटरिंग करेंगे, ये ढंग का खाना प्रोवाइड करेंगे, डिलीवरीज देंगे उन लोगों को जो ऑर्डर फूड, जो फूड खाना ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन ओके। तो इस तरह से होगा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा डी है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि जो गरीबी है हम उसको खत्म करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आंसर है इसका 17 अक्टूबर ओके, 17 अक्टूबर इसका आंसर है। 1992 में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उसने ये घोषणा की थी कि हम 17 अक्टूबर को मनाएंगे एज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस गरीबी उन्मूलन के लिए। और इस बार आपको बताना चाहूंगी कि जो इस बार हमने मनाया यानी कि 2018 में मनाया, वो जो था उसका थीम क्या था, पहले आपको उसकी थीम बताते हैं, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2018 ओके। कब मनाया गया ये? 17 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या थी? कमिंग टुगेदर विद दोज, उन लोगों के साथ आना जो सबसे पीछे हैं, फर्दरेस्ट बिहाइंड, जो सबसे पीछे होते हैं ना उनको अपने साथ लेकर आना, और एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाना। इंक्लूसिव मतलब जिसको जो सब लोगों को शामिल करता हो, जिसमें यूनिवर्सल रिस्पेक्ट हो फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मनाते कब है इसको? 17 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित विमला वीपाई विश्वा कोंकणी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार ये किसने जीता है ओके, ये आपसे पूछा गया है। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर जो है हमारा बी है, एच एम पेरनल जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। आंसर इसका बी है। जो वर्ल्ड कोंकणी सेंटर है उन्होंने ये घोषणा की है कि एच एम पेरनल जो कि एक लेखक हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर जो है हमारा बी है। आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि इन दिनों हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है जिसमें हम 20 अक्टूबर तक पिनाकल के सभी प्रोडक्ट्स पर और साथ ही फ्रंटियर आईएस के सभी प्रोडक्ट्स पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज करने को मंजूरी दे दी है ओके। अब ये शहर का नाम भी एक्चुअली नहीं बदला जा रहा है, पहले प्रयागराज ही था, फिर इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद के बाद अलाहाबाद हो गया, और अब फिर सब उसको प्रयागराज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर क्या है इसका? आंसर जो है अलाहाबाद है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारी जानकारी देती हूँ आज अलाहाबाद के बारे में। जनरली मैं स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी देती हूँ, पर आज मैं आपको अलाहाबाद के बारे में देती हूँ। ये घोषणा की गई है यूपी कैबिनेट के द्वारा ओके। आपको पता है कि 2019 में कुंभ का मेला लगने वाला है अलाहाबाद में, तो उससे पहले घोषणा की गई है कि अलाहाबाद का नाम हम बदलकर कर रहे हैं प्रयागराज ओके। अलाहाबाद जो है ये लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है उत्तर प्रदेश की, और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है अलाहाबाद। अलाहाबाद में आपको पता होगा हाईकोर्ट भी है ओके। अब पहले जो नाम था, पहले प्रयाग ही था, और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अब इसके बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन जो राजा था वर्धमान डायनेस्टी का, वो हर्षवर्धन ने यहां पर कुंभ मेले की शुरुआत की थी प्रयाग में, और उसमें राजा इतना दान करता था कि आखिर में राजा के शरीर पर केवल उसके वस्त्र ही बचते थे। और वो जो कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी वो वेन सांग जो कि एक चीनी यात्री थे, भारत आए थे, उनके सम्मान में वो मेला जो है वो लगना शुरू हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अकबर ने एक नया रिलीजन दिया था, रिलीजन का नाम था दीन ने इलाही। अब दीन इलाही से अकबर ने प्रयाग का नाम इलाही से उन्होंने नया रिलीजन दिया था तो बदल कर दिया इलाहाबाद, ये नाम कर दिया। उसके बाद अकबर के जो बेटे थे शाहजहां, उन्होंने इलाहाबाद का भी बदल कर दिया अलाहाबाद। तो इस तरह से हुआ ओके। और फिर फाइनली अब जो यूपी सरकार है वो फिर से अलाहाबाद का नाम बदल के कर रही है प्रयागराज ओके।
ये थी सारी जानकारी। और अगर हम बात करें महाभारत के टाइम में, तो उस समय अलाहाबाद को मूल रूप से कहा जाता था कौशाम्बी। आपने जरूर ये सुना होगा, जो कुरु रूलर्स थे वो इसको कौशाम्बी कहा करते थे। ये थी सारी जानकारी क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और अलाहाबाद के बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिजिटल सुरक्षा कंपनी जेमल्टो द्वारा तथ्य उल्लंघन स्तर सूचांक नामक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तथ्य उल्लंघन घटनाओं में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि बेसिकली जो डाटा ब्रीच की घटनाएं हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? उसमें भारत का सेकेंड स्थान है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। आज तो बड़े ही दुख की बात है कि डिप्रेशन में हम नंबर 1 हो गए हैं और नंबर 2 है हम इसमें डाटा ब्रीचिंग में। तो आंसर क्या है इसका? आंसर जो है वो बी है, इंडिया इज सेकंड। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो आंसर है हमारा बी। अब इसी के साथ ये 10th क्वेश्चन था, वीडियो खत्म होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। मैं आपको ले आती हूँ आज की क्विज पर। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रयाग का नाम इलाहाबाद में किसने बदला था, नाम बताइए उस शासक का। और दूसरा है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इन दोनों आंसर्स के जवाब आप दीजिए, और जो भी लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।